माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो चैप्टर नंबर 3 है एंजाइम्स, जो कि FSC पार्ट 1 का 3 चैप्टर एंजाइम्स। आज हम इस चैप्टर की फुल रिवीजन करेंगे, तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगी। कॉपी पेन आपने अपने हाथ में ले लिया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर हमारा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे स्टूडेंट्स के, ये वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर की रिविजन करेंगे। टाइम अगर आपके पास कम है और आप अगर बुक को नहीं खोलना चाह रहे तो ये वीडियो पूरी देख लें, इसमें तमाम पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंजाइम्स देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन सी आउटलाइन को कवर करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे क्या क्या। हम इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें हमारे पास को फैक्टर आ जाता है, जिसमें हमारे पास को इंजाइम्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, अपो इंजाइम क्या है, इसके अलावा होलो इंजाइम, मोड ऑफ एक्शन क्या है, इंजाइम्स का मतलब मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। एग्जांपल्स देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे इंजाइम्स के, जो दो मॉडल्स हैं इंजाइम्स की, इंजाइम्स एक्टिविटी के, फैक्टर्स देखेंगे जो इंजाइम्स की कंसनट्रेशन को इफेक्ट करते हैं, और जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें पता इस चीज़ का होना चाहिए कि इंजाइम्स क्या होता है, ठीक है। इंजाइम वर्ड का मतलब क्या है, या इंजाइम्स को अगर हमसे कोई पूछ रहे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। एंजाइम इज़ अ प्रोटीन और RNA प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल दैट इज highly specific and highly catalytic to its substrate. हमें पता है enzymes हमारे जिस्म का बहुत important part होती हैं। basically enzymes proteins ही होती हैं, okay? जो biologically active protein जिसको हम बोलते हैं, okay? तो हमारी body के अंदर जो भी activities perform हो रही होती हैं उनको चलाने के लिए enzymes बहुत ज़्यादा अहम role play करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये हाईली कैटलिटिक होते हैं और ये इंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिविंग सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारी छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी इंजाइम्स के बारे में। और हमें ये भी पता है कि इंजाइम्स जो हैं वो 100 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इंजाइम्स को अगर आप इसकी डेप्थ में जाएँ कि इंजाइम्स है क्या, बेसिकली अमाइनो एसिड्स मिल के जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन इंजाइम्स जो हैं वो कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगी तो फिर कॉइल्ड हो जाती हैं और उस तरह से वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें एक तरह का इंजाइम हम उसको कह सकते हैं, इंजाइम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। तो इस चीज़ ये क्लियर हो गई है कि हमें जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं इंजाइम्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारे जिस्म के अंदर कोई एक्टिविटी स्पीड अप करने के लिए या कैटालिटिक के तौर पर एक्ट करने के लिए कोई इंजाइम्स हमारे पास मौजूद या कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। थोड़ा सा ना इसके हम हिस्ट्री के बारे में भी देख लेते हैं कि इंजाइम्स की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। बच्चों आपको पता भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स को, FSC के स्टूडेंट्स को, ये MD कैट में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते होते हैं। इंजाइम का वर्ड सबसे पहले किसने दिया था। इंजाइम का वर्ड सबसे पहले 1878 में एक साइंसदान था, उसने यूज़ किया था, जिसको फ्रेडरिक विलहम कोनिक कहा जाता है। फ्रेडरिक विलहम कोनी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये मैंने आपको इसमें तस्वीर भी दिखाई है, ये साइंसदान था। पहली बार इसने इंजाइम का वर्ड यूज़ किया था 1878 में, तो इसकी वजह से हमें ये नाम देना पड़ा इंजाइम्स, ठीक है। इसने सजेस्ट किया था इंजाइम्स का नाम इसने। और थोड़ा सा इंजाइम्स के बारे में मज़ीद जाएँ तो वो कहता है कि इंजाइम्स बायोलॉजिकली कैटलिस्ट होते हैं, ये तो हमें पता है, जो कैटालाइज करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। पहले इनको फर्मेंट्स का नाम दिया गया था, ठीक है, जो स्पीड अप कर देते हैं केमिकल एक्टिविटीज़ को।
आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि पहले उसको क्या नाम दिया जाता था, तो पहले उसको फर्मेंट्स का नाम दिया जाता था, और अब उसको क्या नाम दिया जाता है, अब उसको इंजाइम्स का नाम दिया जाता है। और इंजाइम्स किसने सजेस्ट किया था, विलियम कोन ने। और इंजाइम का मतलब क्या है, लिटरली इंजाइम का मतलब है यीस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंजाइम्स की हिस्ट्री के बारे में थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अच्छा, कुछ आगे डेफिनेशंस है इंजाइम्स की। सबसे पहले पहले हम कोफैक्टर को देख लेते हैं। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कोफैक्टर, कोइंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप, पोइंजाइम, होलो इंजाइम, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, देखें जो भी इंजाइम है उसका अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है तो हम उसको कोफैक्टर का नाम देते हैं। इंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर एक्ट करता है ब्रिज बिटवीन द इंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। आप यहाँ पे इस डायग्राम में आ जाएं जहाँ पे मैंने आपको कोफैक्टर दिखाया है। ये देखें सेंटर में ये यहाँ पे इसका जो नीचे वाला ये चीज इसकी कोफैक्टर है। देखें आपने, ये कोफैक्टर है। मतलब क्या हुआ कि ये इंजाइम का छोटा सा पार्ट है कोफैक्टर, जो कि हम कह सकते हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इंजाइम का, जो अलहदा भी हो जाता है इंजाइम से, उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स कोफैक्टर, आपसे अगर कोई पूछ ले कि नॉन प्रोटीन पार्ट इंजाइम का क्या कहलाता है तो वो कोफैक्टर। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि डिटैचेबल कोफैक्टर होता है। तो जो डिटैचेबल कोफैक्टर है उसको हम एक्टिवेटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करेगा, एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करेगा। देखिए इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर, उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एक्टिवेटर। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ जो डेफिनेशन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर हम देखें तो नॉन प्रोटीन पार्ट जब कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर था, अब अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, एंजाइम के साथ अगर वो क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोफैक्टर जो कि टाइटली बॉन्ड होता है, ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है। कोवेलेंटली बॉन्डेड का क्या मतलब है, जो टाइटली बॉन्ड हो, जो मतलब उसको सेपरेट करने के लिए काफ़ी फोर्स लगानी पड़े, वो सही तरह से सेपरेट वो इजीली ना हो सके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। और अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि लूजली अटैच होगा प्रोटीन के साथ, तो उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है और प्रोटीन पार्ट क्या है, और इसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है और कोएंजाइम क्या है। मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लिख भी लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो, कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि डिटैचेबल है इंजाइम से, तो उसको हम कोफैक्टर बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं, नंबर वन। नंबर सेकेंड पे क्या चीज़ है, अगर वही नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली मतलब टाइटली बॉन्डेड है, यहाँ पे देखें टाइटली बॉन्डेड है इसके साथ, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। और अगर वो लूजली अटैच्ड है, ठीक है, अटैच तो है लेकिन वो लूजली अटैच्ड है, तो उसको क्या नाम देंगे, कोएंजाइम का नाम देंगे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, लूजली अटैच्ड होगा तो क्या कहलाएगा, कोवेलेंटली अटैच्ड होगा तो क्या कहलाएगा, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अब कोएंजाइम और होलोएंजाइम की डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। अब ये क्या है, इंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जब उसे रिमूव कर दिया जाता है तो उसको अपोएंजाइम कहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये आपको डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये जो नीचे वाली चीज है इसको अपोएंजाइम, सिर्फ अकेले इसी को कहेंगे। जो ऊपर वाली चीज है ये देखें, ये कोएंजाइम है, यहाँ पे इसका कोफैक्टर है, ये सारी चीजें जब रिमूव हो जाएंगी, ये इसको लहदा दिखाया है, जब ये रिमूव हो जाएंगे तो नीचे वाला पार्ट सारा क्या कहलाएगा, अपोएंजाइम। जब उसे कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो जाता है तो उसको अपोएंजाइम कहते हैं, ठीक है। और जब इंजाइम कंसिस्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर के ऊपर, तो उसको होलोएंजाइम। देखिए आपको वर्ड ही बता देते होते हैं, आप वर्ड पे फोकस किया करें, आपको ये की करेक्टर्स होते हैं वर्ड के अंदर से जो है आप उसको समझा करें। होलो मतलब होल से निकला है, जिसको कंप्लीट हो, ठीक है, जो कंसिस्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें
कोफैक्टर होगा, आपने इस तरह से याद रखना है कि होलो इंजाइम मतलब कंप्लीट, जिसके अंदर कोफैक्टर भी होगा, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी होगा, वो होलो इंजाइम, और जिसके अंदर नहीं होगा वो अपो इंजाइम। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता होनी चाहिए बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स के, एंजाइम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं एंजाइम्स की। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम देखें, बात कर लें, तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये तो पहले हमें पता है, ये बेसिक्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स। ठीक है, एक्सेलरेट कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ये भी हमें पता है कि जाहिर बात है ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देते हैं एंजाइम्स जो है। एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, एंजाइम जो है वो कोफैक्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं कि देखें एक्टिव साइट रखते हैं एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स एक्टिव साइट क्या होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे एंजाइम के ऊपर जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है, तो इफेक्टेड किए जाते हैं पीएच टेम्परेचर से, अनचेंज रहते हैं रिएक्शन से। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम्स की, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को लेकर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, हर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये देखें नीचे इसकी डायग्राम है, ऊपर से वैसे ही सबस्ट्रेट है, तो ये स्पेसिफिसिटी को जाहिर कर रहे हैं। इसी बेस पे दो मॉडल भी बनाए गए थे, वो आगे हम पढ़ते हैं। तो मतलब कोफैक्टर्स पहले हम पढ़ चुके हैं, अब ये दो नीचे बताए हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लें कि इनऑर्गेनिक जो है वो मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक जो है कोफैक्टर जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं, और ये विटामिन्स हो सकते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स देख लें, विटामिन्स भी पूछ लेते हैं। और ये विटामिन्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की कैटेगरी में आते हैं, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है मेटल आयंस इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, लिखते जाया करें साथ साथ। अब कुछ एंजाइम की मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, एंजाइम्स की वर्किंग का क्या है इसके मैकेनिज्म। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि देखें मैंने ये डायग्राम में दिखाया है कि देखें सबसे पहले पहले एक छोटा सा ये एंजाइम दिखाया है। ठीक है, एंजाइम के ऊपर ये देखें ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब एंजाइम की एक्टिव साइट, ये देखें एक्टिव साइट है, इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। तो ये नेक्स्ट पे देखें, सेकंड पे एंजाइम एक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ES बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये कौन बना देता है, जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा। और फिर तीसरे नंबर पे देखें कि ये एंजाइम्स उसके बाद ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। देखें आप ये ऊपर जो ये एरो दिखा रहा है, ये चीज क्या है, ये प्रोडक्ट्स है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये इसका मैकेनिज्म है। लॉज देख लेते हैं, मॉडल्स क्या कहते हैं हमारे, जो फर्स्ट लॉ है वो बहुत फेमस है, लॉक एंड की मॉडल, जो एमिल फिशर ने दिया था 1890 में। ये आपको सन भी याद होने चाहिए और साइंसदानों के नाम भी याद होने चाहिए। क्या कहता है वो लॉक एंड की मॉडल, इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन द एक्टिव साइट हैज अ रिजिड शेप। ठीक है, आपको वर्ड ही बता रहा है लॉक एंड की मॉडल, ओनली सबस्ट्रेट विद द मैचिंग शेप कैन फिट विद द एंजाइम। ये देखें, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, देख ले ये नीचे एक्टिव साइट है और ऊपर आपको सबस्ट्रेट दिखाया हुआ। देखिए ये इन दोनों की शेप एक दूसरे के लिए ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सबस्ट्रेट इसी शक्ल का ही बनाया हुआ है, जो इसकी जगह इसके पास खाली है तो वो फिट हो जाएगा जाके। सेकंड पे देखें ये यहाँ पे आके फिट हो जाता है। तो ये जैसे हमारे पास एक लॉक है, लॉक की स्पेसिफिक की होती है जो कि लॉक के अंदर जाएगी और कोई भी की उसमें फिट नहीं होती है, तो इसी तरह से इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एक दूसरे की क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट आते हैं। तो इसी नाम इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको क्या कहते हैं, लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया गया था। तो देखें ये नीचे लॉक एंड की मॉडल दिखाया था, ये देखें एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर कैसे फिट हो रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने गए हैं। देखें एक दूसरे की शेप को ये फिट हो रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो इस चीज को लॉक एंड की मॉडल का नाम देते हैं कि एवरी एंजाइम हैज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड एवरी सबस्ट्रेट हैज स्पेसिफिक शेप फॉर बाइंडिंग। तो इस चीज को लॉक एंड की मॉडल का नाम दिया गया था।
नेक्स्ट इंड्यूस फिट मॉडल था. इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कोशलैंड ने दिया था. वो क्या कहता है, कहता है कि ये जो रीसेंट स्टडीज हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं. वो कहते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो कोशलैंड ने 1958 में दिया था. सन आप ज़रूर याद रखा करें. वो कहते हैं इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, इसकी काज अ चेंज इन इंजाइम which causes the active site to change its shape to allow enzyme and substrate to bind. ठीक है, अब induced fit model क्या कहता है कि जब एक substrate आएगा तो वो substrate enzyme की shape को change कर देगा और उस पर fit हो जाएगा. ठीक है, तो वो induced fit हो जाएगा. तो इस तरह से वो एक specific, देखें ये, देखें एक ये उसकी fit हो गया. ये देखें पहले पहले अगर हम शेप को देखें तो पहली शेप में इसकी शेप और लग रही इंजाइम की, जब दूसरी में तो फिर वो इंजाइम की शेप को चेंज कर रहा है, तीसरी में देखें ये फिट हो गया. तो वो ये बात करता है कि जब सबस्ट्रेट काज करता है चेंज इन इंजाइम इंजाइम शेप, तो फिर एक्टिव साइट जो है वो उसकी चेंज हो जाती है. जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो उसके अंदर फिट हो जाएगा, तो उसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं. इंड्यूस्ड फिट मॉडल मतलब उसके अंदर चेंजिंग सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट को चेंज करके खुद उसके अंदर फिट हो जाएगा, तो उसको इंड्यूस फिट मॉडल कहेंगे. ये लॉक एंड की मॉडल के बिल्कुल ऑपोजिट है कि उसमें चेंज करके खुद फिट हो जाता है. फैक्टर्स कौन कौन से एक्ट करते हैं एंजाइम्स पे, एक्टिविटी पे, तो हमें पता है एंजाइम कंसंट्रेशन खुद भी इफेक्ट करती है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन के, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लो कंसंट्रेशन पे. जाहिर बात है जब सबस्ट्रेट लो अमाउंट में डालते जाएंगे तो क्या होगा कि ये रिएक्शन भी फास्ट होता जाएगा, लेकिन जब आप ज़्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट डालना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो रिएक्शन जो है वो स्पीडअप होना बंद कर देगा. ठीक है, एट सर्टेन लिमिट होती है ना, लिमिट के ऊपर ही ये फास्ट होगा, उसके ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंजाइम का रेट भी ज़्यादा होगा, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम पीएच भी होती है. ठीक है, शुड बी ऑप्टिमम. हमें पता है, हमने कुछ यहाँ पे आपके चैप्टर में बताए हुए हैं टेबल के अंदर इंजाइम्स की जो पीएच होती है वो भी दी हुई है, तो ये आपको जो है वो पता होने चाहिए. ठीक है, पीएच ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ था आपने, जो मैंने यहाँ पे तो नहीं दिया, आप लोग फिर भी मैं बताती चलूँ. मैंने तो इस तरह से की बनाई थी कि पेप्सी की फैक्ट्री से इतने साल कैट के लिए पानी आ रहा है. ठीक है, पेप्सी से इतने साल कैट के लिए पानी आ रहा है, तो ये आप लिख लें और टेबल को मैच कर लें. तो इस तरह से जो है मैं आपको एक और वीडियो में भी अगर टाइम मिला तो बता दूंगी, इस तरह से टेबल आपने तैयार करना है, तो ये टेबल आप देख लीजिएगा. ठीक है, अच्छा इनहिबिटर्स को देख लें, तो इनहिबिटर्स में इनहिबिटर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं. जाहिर बात है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट तो कर सकता है, सबस्ट्रेट अगर ना हो तो उसकी जगह वो सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ रिएक्ट कर सकता है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, तो उसको इनहिबिटर का नाम देते हैं. ठीक है, इस वर्ड को याद रखें, इनहिबिटर मतलब इनहिबिट कर देता है प्रोडक्ट को, तो उसको इनहिबिटर कहते हैं. ठीक है, अच्छा जैसे पॉइजन्स हो गए, कोई साइनाइड्स ले लें, एंटीबॉडीज ले लें, इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या कर लेती हैं, उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं बाइंडिंग साइट को या एक्टिव साइट को, तो ये चीज़ जो है इसको इनहिबिटर्स बोलते हैं. इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल बाइंड्स जो है वो किसके जरिए करेंगे, कंपैरिजन देख लें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और इरिवर्सिबल जो है वो वीआ कोवेलेंट इंटरेक्शंस. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. डू नॉट परफॉर्म एनी केमिकल चेंजेस. जो रिवर्सिबल हैं जहरी बात है वो कोवेलेंट इंटरेक्शंस नहीं रखते, तो फिर वो कोई भी केमिकल चेंजिंग्स भी नहीं करेंगे, और जो के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाते हैं और कैटालिटिक एक्टिविटी को जो है वो प्रिवेंट करते हैं तो इंजाइम्स की, तो वो क्या कहलाता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है. मतलब उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं. ठीक है, इरिवर्सिबल कैन बी रिवर्स एज देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट. ठीक है, जहरी बात है तो वो रिवर्स हो सकता है क्योंकि बॉन्डिंग नहीं होती उनकी. इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल आपको वर्ड ही बता रहा है, जब वो कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, जब वो दोबारा वापस नहीं जा सकता तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो क्या करता है, उसकी कास करता है. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये
इनहिबिटर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, ये पूछ भी लेते हैं। तो इरिवर्सिबल की दो टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। यहाँ मैंने कंपैरिजन दिखा दिया है, देख लें। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये देख सकते हैं आप, इंजाइम दिखाया है नीचे, इंजाइम के ऊपर ये देखें कम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो गया है, देखें। तो एक्टिव साइट के साथ ही इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, इंटरफेयर करता है एक्टिव साइट के साथ, तो सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, ये दरमियान में आ गया है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इसको बाइंड होने से रोक देते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आप देख लें, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो शेप इंजाइम की चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से जो है वो कैन नॉट बाइंड टू द सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो सकते। देख सकते हैं आप कैटालिटिक साइट है, सबस्ट्रेट ऊपर आके देखें इसकी शेप ही चेंज कर देता है नॉन कम्पिटिटिव, तो इस तरह से बाइंड नहीं हो सकता। तो दोनों तरह से वो उसको एक्टिविटी को रोक रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको इनहिबिटर्स का नाम दिया। लेकिन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव किस बेस पर देते हैं, इसी बेस पर देते हैं कि देखें ये एक तो इसको कम्पिटिटिव जो है वो अंदर खुद आ गया है, और नॉन कम्पिटिटिव खुद नहीं आया बल्कि उसने उसकी शेप को नीचे से कहीं और जगह से रेगुलेटरी साइड से आ जाएगा, और इसने इसकी शेप को चेंज कर दिया, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया, तो इस तरह के नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आपको ये लेक्चर समझ भी आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर भी समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना मत भूलें। कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।